साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रीएम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है, महाभारत में भी कहा गया है, लोकरंजनम एव अत्र राज्ञः धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। अर्थात लोक को यानी नागरिकों को सुखी रखना, सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यवहार, यही राज्य का व्यवहार होना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में भारत के संविधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।